चैनल नॉलेज पीडी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके डिस्कस करूंगा पेरिमीटर एंड एरिया का फॉर्मूले। और आज मैं दो ही टॉपिक पर डिस्कस करने वाला, यानी कि दो शेप्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, उनके लेंथ, ब्रेथ, पेरिमीटर, एरिया, उसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। रिक्टेंगल एंड स्क्वायर, कल ट्रायंगल हो जाएगा और कुछ रिक्टेंगल एंड स्क्वायर का जो भी आज बच जाएगा वो कल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्टेंगल पे हम लोग फोकस करते हैं। रिक्टेंगल, रिक्टेंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पेरीमीटर। सो हम लोग उसका पेरीमीटर का फॉर्मूले जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं पेरीमीटर के फॉर्मूले। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। मैंने आपको बताया था इसके लास्ट वीडियो में 2 × L + B लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई एंड चौड़ाई होता है रिक्टेंगल का, जिसमें दोनों अपोजिट साइड उसके इक्वल होते हैं। यानी कि ये है तो इसका अपोजिट ये इक्वल होगा, ये दोनों लेंथ हो जाते हैं और ये दोनों बी यानी कि ब्रेथ हो जाते हैं। सो इसका अपोजिट साइड्स ऑलवेज सेम होते हैं, ओके। सो इसका फॉर्मूला होता है 2L + B। यहाँ पर तो आप लोग को पता है अगर ब्रैकेट रहता है तो उसके पहले अगर कोई साइन नहीं होता तो वो हमेशा मल्टीप्लाई का ही साइन में वो नोट डाउन किया जाता है, ओके फ्रेंड्स। अब आता है पेरीमीटर तो जान गए हम लोग, अब आता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला, एरिया का नॉर्मल है हम लोग L × B कर देते हैं, यानी कि लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो लेंथ होते हैं अपोजिट साइड लेकिन हम लोग एक ही लेंथ को होते हैं। अगर मुझे लिखना था यहाँ पर L का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर, यानी कि जैसे 6 है ब्रेथ और 8 है लेंथ, सो 8 × 6 × 6, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ओके ऐसा नहीं होता है। और मैं जो भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इसको आप अपने कॉपीज पर नोट डाउन करते जाइएगा, ओके फ्रेंड्स। अब आता है लेंथ। लेंथ का फॉर्मूला आता है, अब हम लोग लेंथ के फॉर्मूला जानते हैं। पहले हम लोग को देखिए फ्रेंड्स, कि मैंने जैसे प्रॉफिट लॉस बताया था कि मैं उसमें बता रहा था कि सबका डेटा पहले लिखना है। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे दिया रहेगा पी है 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर, सो एल निकालिए। डेटा हम लोग को लिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को देगा डेटा सो हम लोग को डेटा ही, कोई तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर देता तो हम लोग को डेटा लिखना सबसे जरूरी रहता है, ओके फ्रेंड्स। ये तो अलग बात हो गई, अब हम लोग अपने जो भी है फोकस डाउन करते हैं। लेंथ का फॉर्मूला क्या रहता है, लेंथ के फॉर्मूले हमको पेरीमीटर एंड ब्रेथ दिया रहेगा। सो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 - ब्रेथ, सच्चा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर है 28, ठीक है, और लेंथ है, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को एल निकालना है, ठीक है, एल हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग का पेरीमीटर क्या हो गया 28, सो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया P/2 यानी पेरीमीटर बाय 2, सो हम लोग 28/2 - हम लोग क्या है हम लोग का 7 कर देंगे, हम लोग को ये दोनों को डिवाइड करके कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 - 7 = 7 सेंटीमीटर, सो लेंथ हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे फाइंड करना है।
आई होप कि आप मैं जो भी समझा रहा हूँ आप अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे उसको। सो अब आते हैं इसका प्रयत्न। ब्रेथ का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, फॉर्मूला ब्रेथ। ये दोनों बस सेम रहता है, यहाँ पर लेंथ तो यहाँ पर ब्रेथ, यहाँ पर ब्रेथ तो यहाँ पर लेंथ। नॉर्मल है, इसमें कोई अंडरस्टैंड होने वाली कुछ बात नहीं, मुश्किल नहीं होगी आपको अंडरस्टैंड होने में, ठीक है। सो ये तो रेक्टेंगल का बात हो गई। वैसे रेक्टेंगल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, डायगोनल भी आ जाता है, फिर कोई क्यूब के वाइड, ये सब भी फॉर्मूला है पेरीमीटर एंड एरिया का। सो वो जो बच जाएगा आज वो मैं कल इसके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पेरीमीटर हम लोग का रेक्टेंगल हो गया ओवर। स्क्वायर का हम लोग का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 into side होता है फॉर्मूला स्क्वायर का। बस स्क्वायर में कोई लेंथ एंड ब्रेथ नहीं होते, स्क्वायर एक जैसे शेप है जिसमें कोई भी लेंथ, इसको भी साइड बोलते हैं, इसको भी साइड बोलते हैं, इसको भी साइड बोलते हैं, एक ही साइड से हम लोग को मल्टीप्ल, जैसे ये 7 centimeter, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, अंडरस्टैंड फ्रेंड। और एक ही साइड को लेके हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई भी, या तो हम लोग इसको 7 को 4 टाइम्स ऐड भी कर देते, लेकिन ये तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग का आंसर से नहीं मतलब है, फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। अब आता है हम लोग का पेरीमीटर नेक्स्ट एरिया। एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। जैसे साइड है हम लोग का 7 centimeter, तो 7 centimeter का हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे 7 centimeter स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, उसका स्क्वायर निकाल लेना है, कि साइड का स्क्वायर निकाल लेना है। अब आता है हम लोग का साइड, खुद साइड फाइंड करना। पहले अगर साइड फाइंड करना, साइड का 2 फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, मैं आपको एक स्क्वायर रूट पर वीडियो बना के और दे चुका हूँ, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एरिया स्लैश, या अगर पेरीमीटर हो आपके पास सो p/4 कर दीजिए, अगर एरिया हो आपके पास सो एरिया का स्क्वायर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।